हे से मेरे को कुछ याद है। हे हाय, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। चले बाय मैम। चलो बाय आंटी। So guys, we are here at the Urbana Fest, also known as Urban Mandi, और हम आए हैं इस जगह को डिस्कवर करने के लिए। वैसे तो हम लोग 5 बजे आने वाले थे, लेकिन somehow लेट हो गया थोड़ा। और मैं, गजल और नमन आए हैं। नमन कहाँ है? नमन अंदर गया। हाँ, नमन अंदर गया। So come along and let's see what's inside. Let's go. बहुत ही जोरदार माहौल है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, इतने सुंदर सुंदर स्टॉल्स हैं, मजा आ जाएगा उसको कवर करने में। और मुझे अगर कुछ पसंद आ गया तो मैं तो डेफिनेटली आज कुछ खरीदना। यू शुड गिव समथिंग टू मी, इट्स दिवाली। हाँ, तुझे भी देना चाहिए। हाँ, खड़े हैं सेल्फी बूथ पे और बहुत सारे प्रॉप रखे हुए हैं। बताओ भाई, कौन सा किसको कौन सा फोटो लेना है? बूम। नमन। नमन कौन सा लेगा तू? पाउट क्वीन। पाउट क्वीन। नमन को पाउट क्वीन। आई एम माय फेवरेट। हां, मैं अपना फेवरेट हूं। देसी गर्ल। आई एम माय फेवरेट। ये ले ले। मेरा वाला। फोटो खिंचाने के बाद हम लोग अभी थोड़े रिलीफ हुए हैं। बहुत स्ट्रगल था। बहुत देर से लाइन लगानी पड़ी थी हम लोगों को। लाइन से लड़कियां आ रही हैं और सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रही हैं। हेलो, लड़के भी ले रहे थे सेल्फी। मुश्किल से एक या दो लड़के आ गए। ये भी लड़का है ना, तूने ली ना सेल्फी? हाँ, तो नमन का लिए और मेरा लिए और किसका लिए? हाँ ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। मेरे को भूख लग रही है। आई नो, इवन आई एम हंग्री। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द फ्री मार्केट। पूरा घूम चुके हैं, बहुत क्वर्की और बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी चीज़ों के। एंड मुझे थोड़ी एक दो चीज़ें पसंद आई हैं, सो अभी मैं जाऊँगी और उसको लेके आऊँगी। अर्बना फेस्ट एंड बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। नमन, राहुल और मेरा प्लान है कि अब हम जाएंगे पास में, यहाँ पे एक चाय पॉइंट है,
जो थोड़े टाइम पहले राहुल ने डिस्कवर किया था जब हम राजस्थान से वापस आ रहे थे। सो तो वहाँ जाएंगे लोग कल वापस आते टाइम मैं रुक नहीं पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मैं बोला कि चलो आज चलते हैं और जाके थोड़ा मैगी खाते हैं। सो वी जस्ट रीच्ड हियर मैगी एंड चाय पॉइंट, ये एयरपोर्ट वाली रोड पे है। अब जब भी एयरपोर्ट से वापस आओगे तो लेफ्ट साइड में आपको ये दिखेगा। तो नमन ने मैगी का ऑर्डर दे दिया है एंड लेट्स हैव समथिंग, बहुत भूख लग रही है। मैगी खाने आए हुए हैं। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे व्लॉग करना चाह रहे थे लेकिन वहाँ म्यूज़िक बहुत लाउड था और समहाउ ऐसा था कि जब भी व्लॉग करते हैं और पीछे कोई भी म्यूज़िक बजता है, हमारे साथ पहले हो चुका है कि बैकग्राउंड में एक बार म्यूज़िक बज रहा था और हमको कॉपीराइट क्लेम मिल गया था। तो इसी वजह से हमने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, हम लोग सोचे कि बाहर आकर के व्लॉग करते हैं। वैसे वहाँ पे बहुत सारे पॉपअप स्टोर थे। तो ऐसा होता है कि यू नो जो फ्ली मार्केट होता है उसका कंसेप्ट ये है कि जितने भी लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग अपने घर से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बेकरी हो, चाहे वो गिफ्टिंग सॉल्यूशंस हो, बेसिकली जो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उनके लिए अर्बना फेस्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि वो वहाँ पे जाके अपने बिजनेस को शोकेस कर सके। So it is a beautiful concept guys, and if you are someone who has a business or who is looking up to start up a business and you are not having a platform, you can absolutely approach Urbana Fest and like fests like Urbana local aisa bahut kuch hota rehta hai Raipur mein. So that's it. So we came across this beautiful pop-up store at the Urbana Fest called Clinkers, and Clinkers has gifted me and Rahul something very special. I can't find Rahul. Here I am. So, a tiny gift from Clinkers. Let's just open it and see kya hai iske andar. Clinkers for giving us this gift. And we are so glad that you guys called us. Ho gaya na packing hai. Abhi nahi, acche se packing karenge. अनबॉक्सिंग वीडियो भी हम लोग आज बना रहे हैं क्लिंकर्स का। केसी भाई के अंदाज में खोलना है, इतना क्या प्यार से खोल रही है, एकदम ऐसे फट से खोलने का। नहीं, आई लव अनबॉक्सिंग गिफ्ट्स वेरी जेंटली। इसको भी रख ले। नहीं, इसको साइड पे रखना। ओह माय गॉड, दिस इज अ वेरी क्यूट, ओप्स मैंने उल्टा खोल दिया। दिस इज अ सो क्यूट मेसन जार। So they've customized this and this is a mason jar. You can have milkshake or coffee or anything that you like. So it's so beautiful and even you can get such gift customized from Clinkers. ये mason jar बहुत सुंदर है, जैसे कि आप इसकी design देख रहे हो, ये उन्होंने ही design किया है। ऐसे ही आप भी customized design अपने लिए बना सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि वोडका ग्लासेस, बियर ग्लासेस, कस्टमाइज्ड वॉचेस थे और क्या था, एंड दे वर हैविंग जो वाइन और बियर की बॉटल्स थी उससे बनाए हुए शैंडलियर्स थे, लैंप्स थे। गाइस, देयर इज सो मच दैट यू कैन बाय फ्रॉम देम। मैं उनके वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन। वो डिलीवरी उसकी ऑल ओवर इंडिया करते हैं, तो जस्ट गो एंड विजिट देयर वेबसाइट। यस, एंड यू कैन एक्चुअली यू नो यूज़ दीज प्रोडक्ट्स टू गिफ्ट इट टू समवन। ये बहुत अच्छे सुंदर गिफ्ट्स हैं, अगर आपको कुछ किसी को कुछ देना है सो क्लिंकर्स हैव द बेस्ट गिफ्ट फॉर यू, सो गो एंड चेक देम आउट। तो मैगी पॉइंट्स है, मैगी खाने के बाद हम लोग की एक छोटी सी मीटिंग थी, तो हमने वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। अभी फाइनली वो मीटिंग हो चुकी है हमारी। वो मीटिंग किस चीज़ से रिलेटेड थी वो हम आपको बाद में बताएंगे। और वैसे कल तो संडे है और संडे हम लोग हमेशा राइड करते हैं, लेकिन इस संडे हम लोग राइड नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि दिवाली है एंड घर में बहुत सारे काम हैं, साफ सफाई करना है, घर को सजाना है, क्योंकि फिर उसके बाद ऑफिस चालू हो जाएगा मंडे से, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो घर को भी फैमिली को भी टाइम देना है। सो नो राइड दिस संडे, बट नेक्स्ट संडे फॉर श्योर वी आर डूइंग राइड। सारे अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। लेकिन वीडियो जरूर आएगा, राइड रिलेटेड नहीं आएगा लेकिन वीडियो जरूर आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद दैट सेड गाइस, कीप हसलिंग, कीप ड्रीमिंग, गुड बाय।